जहानाबाद जिले के घोसी विधायक रामबली यादव ने घोसी और काको नगर पंचायत बनाए जाने पर कड़ा विरोध करने का फैसला लिया है। उन्होंने मीडिया से खास बातचीत के दौरान कहा कि घोसी और काको पंचायत स्तर पर जितना विकास हो रहा है उतना नगर पंचायत हो जाने पर उस क्षेत्र का विकास बाधित होगा, साथ ही उस क्षेत्र की जमीन काफी महंगी हो जाएगी और क्षेत्र के लोग महंगाई के दंश झेलने को विवश हो जाएंगे। सरकार टैक्स पर टैक्स लगाकर जनता को परेशान करेगी, इस मामले को लेकर विधानसभा में आवाज उठाने की बात कही। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। घोसी है जिसको नगर निकाय के रूप में दर्जा दिया गया, तो हम लोग मानते हैं कि ये नगर निकाय टैक्स तो सुन लें और किसानों को के खेती पर कब्जा कर लेने का मात्र उद्देश्य ये सब कुछ है, और नहीं तो हम लोग देख रहे हैं कि नगर निकाय जहानाबाद बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ सुविधा के नाम पर अगर आप देख लें तो वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10 और इस तरह से कहिए कि जो दर्जनों वार्ड है जहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं है, माने गंदगी फैला हुआ है और केवल टैक्स वसूला जा रहा है, तो इसी तरह से वो अगर नगर निकाय बन ही गया तो उसे क्या मिलेगा। वहाँ चाहिए कि खेतों में पानी, आज़ादी के बाद से अब तक खेतों में पानी के लिए घोसी से लेके कांको के पूरा किसान तरस रहा है, कोई ये सब इंतजाम नहीं हुआ, बल्कि सुखाड़ के पैसा के लिए भी ब्लॉक दौड़ना पड़ता है लोगों को। तो ये जो नगर निकाय बनाने की बात हुई है तो ये कुल मिलाकर किसानों का जो खेत है उसका खरीद बिक्री महंगा हो जाए, उनके मकानों से टैक्स कैसे आ जाए, ये हम समझते हैं कि सरकार का ज़्यादा नज़रिया है। और नहीं तो आप देख लीजिए जो जेल बना हुआ है वो किसानों के फार्म था जहाँ से बीज विस्तार होता था और किसानों को प्राप्त होता था, वो फार्म को 40 एकड़ फार्म को कब्जा कर लिया गया कांको में और जेल बना दिया गया, शराब के नाम पर आज बंद है। तो ये कहिए कि दमन का एक माध्यम बन गया है। आप गंधार का फार्म आप देख लीजिए, जितुआ बिघा का आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है, उस फार्म को कंपनियों को दे दिया गया है। तो यहाँ जो नगर निकाय की बात है वो केवल इसमें राजनीति है, और देख लीजिए जिन इलाकों को जोड़ा गया है, अगर कांको में नगर निकाय का गठन करना ही है तो बीबीपुर शहर के तरह है, शहर के रूप में आता है बीबीपुर, और उसके अगल बगल इलाके को छोड़ दिया गया है, और जो पूर्वी कांको है प्योर जो कृषि आधारित गांव है उनको इसमें जोड़ दिया गया है। तो हम लोगों ने तय किया है कि इसका हम लोग विरोध करेंगे और विधानसभा में भी इस सवाल को हम लोग उठाएंगे, और हम लोग जनवरी के महीना में जो तीनों कृषि बिल इस देश में मोदी जी ला करके खेती को अंबानी अडानी को देना चाहते हैं, और ये नगर निकाय बना करके जो सरकार टैक्स हड़पना चाहती है, इसके खिलाफ जनवरी महीना में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने जा रहे हैं जिला स्तर पर, और नगर निकाय से ये दोनों को मुक्त करे सरकार। नगर निकाय जो घोसी के अंदर है उसमें जो बुनियादी सुविधा है, आज माले ओपी जाइएगा दो दो विधायकों का आवास है लेकिन गाड़ी फंस गया है, हम लोग ठेल करके रात में गाड़ी पार किए हैं, अभी भी गाड़ी पार की। तो अभी जहानाबाद नगर निकाय है उनकी सफाई, उनकी नाली, उनकी गंदगी को व्यवस्थित करें, और किसानों का अगर विरोध है तो नगर निकाय बता दीजिए आप कि घोसी में क्या तुक है अहियासा पंचायत को घोसी नगर निकाय से जोड़ने का, कोई तुक नहीं बनता। नली गली सड़क को तो बनाने में आप भी सक्षम है, आपके पास भी उस तरह की योजना बनाते हैं? तो जैसे नली गली सड़क हम लोग का तो ऐच्छिक फंड है, हम लोग तो हमारा फंड तो उस जगह काम आता है जहाँ सरकार का जो अन्य स्रोत है, ये नगर निकाय का जो कार्यालय है, वो जो सरकार के पास डीएम के पास दुनिया तरह की योजनाएं आती है, इन सारी योजनाएं जब फेल कर जाती है तो उस जगह हमारा ऐच्छिक फंड है तो वहां हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो तो ऐच्छिक फंड विधायक का इस्तेमाल हो और इससे नाली गाली दुरुस्त हो, ये तो सरकार के मुँह पर करारा चमचा होगा। हमारा तो ऐच्छिक फंड इसलिए है कि जहाँ सरकार अक्षम है वहाँ हम लोग देते हैं, सरकार बोले कि हम लोग अक्षम है हम लोग सब फंड दे दे करके बनाते रहेंगे। घोसी में सर अहियासा पंचायत गोलकपुर घोसी को नगर निकाय का दर्जा दे, इस पर क्या कहते हैं? इसी पर तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो गोलकपुर पंचायत है और अगर उनको मिलाना है तो शाहपुर पंचायत या अन्य जो पंचायत है अगल बगल की, बताइए कहाँ महदीपुर है, कहाँ महदीपुर एकदम कांको से सटा हुआ है, अहियासा है, नौशहरा है, इसको नगर पंचायत में मिलाने का क्या तुक बनता है? पैसा कमाना, खरीद बिक्री के लिए जमीन महंगा होगा, और जो मकान सुरक्षित है जो पंचायत से विकास हो रहा है विकास रुक जाएगा, और उसके साथ साथ मकानों से टैक्स वसूल होगा, यही सरकार का मकसद है, विकास का मकसद है नहीं।